तो गाइस स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका काले लिनक्स मशीन में ब्लूटूथ काम नहीं करता है, अगर आप ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं होता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये देखिए मैं इस पर क्लिक तो कर रहा हूं पर ये ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको सेटिंग पे भी जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं जाता हूँ ब्लूटूथ पर, और ब्लूटूथ पर जाने के बाद मैं इसे करता हूँ ऑन, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। सिर्फ ये ऑन हो जाएगा बट इधर ये ऑन नहीं हो पा रहा है, तो ये किसी भी तरह से ऑन नहीं हो रहा। तो इसको फिक्स कैसे करें, इसको ऑन कैसे करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको सूडो सू लिखना है और अपना पासवर्ड दे देना है। और इसके बाद आपको टाइप करना है apt install aptitude। ये टाइप करने के बाद आपको वाई पे क्लिक कर देना है, वाई टाइप करके उस पर एंटर प्रेस करना है और इसको होने देते हैं। और ये प्रोसेस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आपको आपको टाइप करना है, तो पहले मैं इसे फुल साइज़ का कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको टाइप करना है एप्टीट्यूड इंस्टॉल ब्लूटूथ, ये आपको टाइप करके एंटर हिट करना है। और ये मैं आपको जितनी कमांड बता रहा हूँ मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपका वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब ये हमारा ऑन हो चुका है। और इस तरह से कुछ आप फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको वो पिछले वाली कमांड लिखनी है, और आपको यहाँ पे स्टार्ट हटा के स्टेटस लिख देना और एंटर हिट करना है। और ये देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसका भी एक्टिव मोड क्या है, अभी इसका ये रनिंग मोड पर है यानी कि एक्टिव है। और यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा देगा, अभी मैंने इसे 21 सेकंड पहले चालू किया था तो वही टाइम है। और यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है, वो अभी रनिंग मोड पे है यानी कि अभी ऑन है। तो कुछ इस तरह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कमांड के ज़रिए निकाल सकते हैं, और कितने कितने अभी डिवाइस कनेक्ट हुए थे और डिसकनेक्ट हुए थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और अभी मैं आपको सेटिंग पर जाके दिखाता हूँ, और अगर मैं आपको सेटिंग से दिखाऊं तो ये देखिए अगर मैं इसे बंद करता हूं तो ये बंद भी हो जाएगा, और चालू करता हूं तो इसे चालू भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और गाइस अगर आपके कंप्यूटर के रिलेटेड या फिर काली लिनक्स के रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम या फिर एरर आती है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I tell you though, 'cause I'm feeling so good. Oh, yeah. Yeah.